आइडेंटिटीज के बारे में बात करें, हमने आपको बताया कि ये सभी जो है जितने 6 रेशियो होते हैं ये सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा जो है ये 3 बातें हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर के रेशियो के फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी में यहां पर आपके पास जो है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां हम देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर शेष 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनियस है एक बार उसे डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। तो ए सी स्क्वायर बाई मी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई मी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई मी ए सी स्क्वायर, ये वैल्यू कट जाएगी। 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी जो है हमारे पास जो है कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होता है, और साइन थीटा इक्वल टू ये बी सी अपॉन ए सी होता है। सबकी वैल्यू हमने भर दिया, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इंप्लाइज दैट ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो हमारी आइडेंटिटी बनती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी का यह फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसे हमें जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन वन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, हेयर इज ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय में ए बी स्क्वायर। अब यहां हम देखते हैं कि जहां सेम नंबर है वे तो कट जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ये कट गया। ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, तो हियर इज ए सी, ए सी आपके पास जो है ये हाइपोटेनियस है, ए बी आपका बेस है, तो ये वैल्यू हमारी जो है हाइपोटेनियस ये जो वैल्यू हो जाती है सेक थीटा, और दूसरा है हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, तो ये है हमारा बी सी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हम यहां लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास ए सी अपॉन यानी कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या दूसरे शब्दों में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हमारा जो है ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें हम तीसरे फ्रॉम फर्स्ट से अभी हमने क्या किया, यहां पर एक बार एसी से डिवाइड करके देख लिया, एक बार एबी से डिवाइड करके देख लिया, एक तीसरा बचा हुआ है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बीसी स्क्वायर। तो अब हमारे पास बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एसी स्क्वायर बाय में बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय में BC square plus BC square by me BC square। अब यहाँ पर देखिए कि AC by में BC और यहाँ पर BC से BC कट गया, AB by में BC। अब AC by में BC कहाँ है, तो यहाँ पर AC by में BC ये जो है आपका हो गया cosec theta।
क्योंकि ये हमारे पास जो है cosec थीटा, ये वैल्यू हमारी जो दी गई है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू है AB अपॉन BC, ये है cot थीटा। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू दी गई है AC अपॉन BC, हमारे पास हो गया cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हो गए। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।